ठीक है जी, पहले से लेके 5 नंबर तक ओपनर ही खेलते हैं, कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं है पाकिस्तान में। इतनी शर्मिंदगी होती है बास टाइम तो पाकिस्तान की, अगर टीम देख के कि जी पूरे पाकिस्तान में कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है जिसको हम सेलेक्ट कर सकें, और बॉलर ऐसे हैं कि जी वो एज ए स्पिनर बॉलर सेलेक्ट हुए हैं और अब ना वो बैट्समैन बन के वो बॉलिंग कर ही नहीं रहे, 3 3 मैचेस हो गए नहीं कर रहे। तो इस तरह की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज पाकिस्तान जीत गया है और चले अच्छी बात है कि जी पाकिस्तान को ये वाली विक्ट्री मिली है, लेकिन ये कि इस विक्ट्री का फ़ायदा कोई नहीं हुआ पाकिस्तान को। ये शायद अगर 2 दिन पहले मैच हो जाता यूएस का और इनका आयरलैंड का, तो शायद उसमें कोई आयरलैंड जीतता तो कुछ शायद हमें फ़ायदा हो जाता, लेकिन चलो सारी ठीक है, पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। लेकिन क्रिटिसाइज तो लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है हर चीज़ पे कि जी चेंज होनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, ऐसी बातें भी थी जिस पे अमल भी होना चाहिए। ये नहीं कि जी सारी बातें जितने भी बाहर लोग बैठे थे उन्होंने गलत की है कि किसका अंदाज कोई हार्ड था, किसी का कोई सॉफ्ट था, किसी की सख्त बात थी, लेकिन ना उसमें से काफ़ी सारी बातें सच भी थी। और देखो सारों को अफसोस हुआ है कि जी हारने का पाकिस्तान के, पाकिस्तान सुपर एट में नहीं पहुंचा, कि ठीक है नहीं पहुंच सका, लेकिन हम सारों का अब भी ये यकीन है कि पाकिस्तान है ना बहुत बेहतर टीम है जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। या पाकिस्तान अगर सुपर एट में नहीं पहुंचा तो उससे बेहतर है इस टीम से जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप हम जो पीछे हो गया उसको तो मैं नहीं इतना कंसिडर करूँगा कि जी अब है ना उसको बार बार जिक्र किया जाए, लेकिन हाँ ये है कि टीम में ना कुछ चेंज ज़रूर होना चाहिए अब, ठीक है ना। इट्स अबाउट टाइम के जी अब है ना थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए। किसी भी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकेंगे जी उसको मौका नहीं मिला इस टीम में, या उसको कोई, सिर्फ इब्रार के अलावा, इब्रार एक ऐसा प्लेयर है जिसको मेरे ख्याल में ये लेके गए लेकिन कहीं भी इनकी सिलेक्शन में हैरान कन तौर पे है कि जी वो इनकी टीम में कहीं भी नहीं आया, इवन कि आज के मैच में भी उसको मौका नहीं दिया, आज भी इन्होंने शिदाब को खिला दिया। तो ये हैरान कन बात थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह बाबर एंड कंपनी है ना डरी हुई है कि जी उनको कोई भी स्कोर दिया जाएगा तो उसका दिल करता है कि वो लंबी बैटिंग खिला ले कि जी और है ना अपने आप को सेफ कर जाए किसी तरह। तो मुझे थोड़ी सी डरी हुई इनकी प्लानिंग लगी, लेकिन बहरहाल चलो जो हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चेंजिंग होना ना अब ज़रूरी है पाकिस्तान टीम में, कि आपको है ना प्रॉपर तौर पे एक है ना आपको बैलेंस टीम बनानी पड़ेगी कि प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो। ये इस तरह नहीं खेलना जिस तरह, ये सिलेक्शन नहीं करनी इस तरह की जिस तरह की ये वाली सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है जी पहले से लेके 5 नंबर तक ओपनर ही खेलते हैं, कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं है पाकिस्तान में। इतनी शर्मिंदगी होती है बास टाइम तो पाकिस्तान की, अगर टीम देख के कि जी पूरे पाकिस्तान में कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है जिसको हम सेलेक्ट कर सकें, और बॉलर ऐसे हैं कि जी वो एज ए स्पिनर बॉलर सेलेक्ट हुए हैं और अब ना वो बैट्समैन बन के वो बॉलिंग कर ही नहीं रहे, 3 3 मैचेस हो गए नहीं कर रहे। तो इस तरह की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है जिस लड़के से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही आप उसको ड्रॉप करते हैं, वो फर्स्ट क्लास जाके खेल ले, और पाकिस्तान बोर्ड है ना इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि जी वो आके ना क्रिकेट खेल ले पाकिस्तान में, ताकि ना वो अपनी खोई हुई परफॉर्मेंस है ना वापसी लेके आए। तो अगर इस तरह नहीं करेंगे आप तो आपकी टीम है ना स्ट्रगल करती रहेगी, और ये इस T20 की स्ट्रगल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये हम एशिया कप से अब स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, एशिया कप हो गया, फिर वो ODI का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद है ना ये इससे पहले आप 3 4 सीरीजें खेल लिए हैं, बीच में कुछ खेल लें, तो आप है ना कहीं भी पाकिस्तान टीम है ना ऑन टॉप नजर नहीं आई, कहीं मेरा मतलब है यूनाइटेड नजर नहीं आई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होती रही कि जी कभी बाबर ने परफॉर्मेंस दे ली, कभी रिजवान ने दे दी, तो कभी शाहीन ने दे दी, कभी किसी और एक बॉलर ने दे दिया, एज ए यूनिट आपको ना परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो उसके लिए मेरे ख्याल में चेंज होना बड़ा ज़रूरी है ताकि ऐसे प्लेयर्स को खिलाएं। ये मेरी बात याद रखें आप सारे लोग भी,
क्योंकि जी ये नहीं है कि जी चार मैचों के बाद किसी ने एक परफॉर्मेंस दे दी, एक दफा वो आग बैटिंग के लिए आया और उसने छक्के छुक्के मार दिए और कर दिया ओ जी सारा सारी चीज खत्म हो गई। नहीं ये नहीं है, अगर आपने अपनी टीम को किसी इवेंट में जीतते हुए देखना चाह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करना हुआ चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जी आप 5 में से एटलीस्ट 3 मैचों में आप परफॉर्म करते हुए नजर आए, बॉलर भी और बैट्समैन भी, तो फिर कहीं जाके ना आपकी टीम अच्छी बनेगी टीम, क्योंकि जी जिससे आपकी तवक्कुआत वाबस्ता होंगी, वरना मुश्किल होगा। अभी यहाँ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है तो उसमें मेरे ख्याल में टीम में थोड़ी सी चेंजिंग्स बनती हैं, जो मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब ने अंदलिया भी दिया है कि जी हमें ना बड़ा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जरूर ऑपरेशन करें लेकिन जरा देख के करना, कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आप देख के करें कि जी कौन से प्लेयर का कहाँ इस टाइम नंबर बनता है, उसको किसको चेंज करना चाहिए, किसको लेके आना चाहिए, ये जरूर देखें।